याद तो मुझे अभी भी वो है, वो तो नहीं जा सकती, बट उसकी रिप्लेसमेंट मुझे लाइफ पे अब तक मिली नहीं, एंड आई थिंक मिलेगी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद, अरफा करीम की मदर। आज मैं आपके सामने अरफा की एक फ्रेंड का तारुफ कराऊंगी जो कि उसकी बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी, और थैंक यू भी बोलूंगी कि उसने टाइम दिया, क्योंकि अब उसकी माशाल्लाह खुद छोटी सी बेबी है जिसकी वजह से बहुत बिजी थी, लेकिन आज उसने टाइम निकाला स्पेशल अरफा के लिए। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मैं चलती हूँ मनाहिल जावेद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मनाहिल? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप बताएं कि आपकी जो अरफा के साथ फ्रेंडशिप थी, आपका पढ़ाई में भी टाइम इकट्ठे गुजरा स्कूल में, तो कितनी देर आपकी फ्रेंडशिप थी, मतलब कितना अरसा था? वैसे तो मेरी फ्रेंडशिप उससे ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड 8 9 मंथ्स रही होगी। ड्यूरेशन काफ़ी शॉर्ट थी, लेकिन उस ड्यूरेशन में हम लोग काफ़ी क्लोज आ गए थे। वी वर मोर लाइक सिस्टर्स कहना ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि आधा टाइम या तो वो मेरे साथ होती थी या आधा टाइम मैं उसके साथ होती थी। जिन टाइम में हम साथ नहीं होते थे, उस टाइम पे हम फ़ोन पे होते थे। नया नया फ़ोन दोनों को मिला था, तो वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। लेकिन यही है कि मिले, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल थे, ए लेवल्स का पहला दिन था जिस दिन हम दोनों की मुलाकात हुई। आई डिड नॉट नो हु शी वॉज, क्योंकि मेरा टीवी बैन था, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अरफा करीम कौन है। उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, पहले मुझे मजाक लगा, फिर जब मैंने थोड़ा सा इधर उधर से सुना, देन आई रियलाइज्ड। लेकिन मेरे साथ वो एक बिल्कुल हम्बल डाउन टू अर्थ फ्रेंड रही। उसने कभी अपना फेम या अपनी पॉपुलैरिटी, जो कि वो काफ़ी पॉपुलर थी इवन इन LGS, जब हमने स्टार्ट किया, मेरे हमारे स्टार्ट करते ही शी बिकेम वेरी पॉपुलर। लेकिन मेरे साथ वो बहुत डिफरेंट थी। मेरे साथ शायद उसकी वो साइड बाहर थी जो वो रियल में थी। शी डिड नॉट हैव टू पुट अप अ फेस जो वो दुनिया को दिखाती थी ऑफ बीइंग द सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल। मेरे साथ शी वॉज जस्ट अरफा। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपने बताया जैसे कि आप बड़ी जल्दी क्लोज़ हो गए, तो आपके ग्रुप में और कौन कौन था जो कि आप समझते हैं कि आपके बाद क्लोज़ था? हमारा वैसे ग्रुप काफ़ी बड़ा बन चुका था, अराउंड वी वर 30 फ्रेंड्स उस ग्रुप में। लेकिन अगर मेरे बाद जिससे अरफा काफ़ी क्लोज़ हुई थी, वो रज़ा बुखारी था। हम तीन का एक बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप था जो स्टार्ट में रहा। बाकी सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे हम लोग, लेकिन अगर हम कहें कि जो हम आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो हम तीन थे, मैं, रज़ा और अरफा। अच्छा, तो आप बता सकती हैं कि मैंने सुना था, मुझे पता नहीं है, लेकिन आप तो स्कूल में थीं कि वो दूसरे बच्चों की हेल्प करती थी पढ़ाई में। हाँ जी, वो काफ़ी हेल्पफुल थी, स्पेशली क्योंकि वो AICT लेती थी, विच वॉज़ अ कंप्यूटर क्लास। उसमें काफ़ी लोग स्ट्रगल करते थे, काफ़ी टफ था वो सब्जेक्ट, तो अरफा वॉज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प। आई वॉज़ वन ऑफ देम। मुझे ज़बरदस्ती उसने उस क्लास में घुसाया और फिर मुझे वो पढ़ाती होती थी। एग्ज़ाम मैंने उसका इवन अरफा के साथ आपके घर पे ही प्रिपेयर किया था। रात जाग के प्रिपेयर क्या किया, मूवीज़ वूवीज़ देख के सो गए थे। लेकिन शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल मैथ में, स्पेशली जो सब्जेक्ट्स उसको बहुत पसंद थे, जिसमें मैथ था, कंप्यूटर्स था, फिजिक्स था, उन सब्जेक्ट्स में शी वॉज़ ऑलवेज विलिंग टू हेल्प एनीबडी एनीवेयर। अच्छा, तो जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी तो होती है ना? हाँ जी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों में अरफा ने ही, शी गेव मी द कॉन्फिडेंस टू पार्टिसिपेट। डिबेट्स वॉज वन ऑफ देम। अरफा ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था पार्लियामेंट्री डिबेट्स के साथ। हम उसमें बहुत एक्टिव थे। उसके अलावा कॉलेज के हर फंक्शन की, हर मैनेजमेंट में हम लोग होते थे। कोई इवेंट हमने नहीं छोड़ा जिसमें हम हों। फ्रॉम स्पोर्ट्स में हम दोनों कम थे, क्योंकि हम दोनों को खाने का शौक़ ज़्यादा था, बट उसके अलावा वी वर इन टू एवरीथिंग। डिबेट्स उसको बहुत पसंद थी, तो वो हमारी हाईलाइट होती थी। बहुत शौक था उसको उस चीज़ का, और आपने यकीनन उसके सॉन्ग्स भी सुने होंगे। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। उसकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा।
कंपटीशन कोई हुए आपके उधर होते हुए लम्स में या कहीं और? उसने ग्रामाथॉन्स विन किए थे जो हमारे एलजीएस के होते हुए हुए थे, और उसके अलावा उसने लम्स में बेस्ट सिंगर का अवार्ड लिया था हमारे एमयूएनस के ऊपर. वैसे वो और मतलब कॉलेज में तो वो गाती ही रहती थी, तो आई यूज़ टू लव हर सॉन्ग जिसमें वो मरून 5 का था, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, बट ब्यूटी क्वीन ऑफ ओनली 18, शी हैड सम ट्रबल विद हर सेल्फ, दैट वॉज हर फेवरेट सॉन्ग. उसको वो हर वक्त वो उसके मुँह पे होता था. और एक जॉम्बी, शी यूज़ टू लव सिंगिंग दैट सॉन्ग. जॉम्बी जॉम्बी. अच्छा. तो जो आपके स्कूल की वो हेड गर्ल भी थी? हाँ जी, हेड गर्ल भी थी. आपको याद है कैसे बनी, क्या हुआ? वो उसमें जो बेसिकली कंपटीशन था वो हमारी दो फ्रेंड्स में ही था, एक अरफा थी एक तहरीम थी. तहरीम डिड नॉट स्टैंड अ चांस क्योंकि अरफा एक बहुत क्लियर कट विनर थी. वो पॉपुलर के साथ साथ शी वॉज एवरीबडीज फेवरेट. मतलब उसमें तो कुछ था ही नहीं ना कि वो, उसमें कोई हमारे हमें डाउट नहीं था कि वो कभी हेड गर्ल नहीं बनेगी, बिकॉज शी हैड दैट पर्सनैलिटी कि वो लीड कर सकती थी, वो कमांड कर सकती थी, वो लोगों को साथ ले के चल सकती थी. तो एम जे, आपको याद होगा कोई ऐसी शरारत या कोई, क्योंकि मुझे पता है कि उसको फन करना ज़्यादा अच्छा लगता था और हंसना खेलना शरारतें करना यानी लाइट मोड में रहना. हाँ जी, ज़्यादा लाइक करती थी. तो आप चूँकि फ्रेंड थी, मुझे याद है एक वक्त का वाकया कि जब आप लोग स्कूल में थे और उसने मुझे कहा कि आप सब ने पता नहीं किसी मुशायरे में जाना. हाँ था जी, बिल्कुल बिल्कुल. तो घर तैयार होने के लिए जब आए थे तो वो गाड़ी में हम कितने सारे लोग थे? हम अरफा ने हम तकरीबन अराउंड 8 से 9 लड़कियां थी जिनको रेडी किया कि हम सब इकट्ठे तैयार होंगे. हमने कहा ठीक है, हम स्कूल से आपको कॉल की और आप आईं. आपके अलावा हम 8 लोग थे जो हम गाड़ी में पता नहीं किस तरह बैठे और हम घर पहुंचे. और जब हम निकलना शुरू हुए तो इवन घर पे जो आपके सर्वेंट थे उन्होंने भी देख के कहा कि ये निकल कहाँ से रही हैं, इतनी सारी थी हम लोग. लेकिन इस तरह के काम अरफा करती रहती थी. उसको फिर कभी फ्री टाइम होता था तो फिर उसको जैमिंग सेशंस का शौक था. वो गाती थी तो एवरीबडी अराउंड हर यूज़ टू हम अलोंग विद हर, कोई गिटार लेके बैठ जाता था उसके साथ. तो उसको ये शौक था कि वो हर जगह रौनक लगा देती थी. रौनक लगा देती, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा स्कूल फ़ोन किया कि अरफा से बात नहीं हो रही थी, तो पता नहीं आपने ही शायद मुझे कहा था कि उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है. हाँ जी, कि वो स्कूल में पता नहीं सको कहाँ पे होगी. बिल्कुल. और जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी तो सर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा उसका पता ही नहीं चलता, कभी किसी क्लास में किसी बच्चे को कुछ पढ़ा रही होती है उसको, हर जूनियर स्टूडेंट स्पेशली. हाँ जी, हाँ जी. कि उनके साथ भी वो बहुत हेल्पफुल रहती थी उनको सिखाना, या शी वॉज ऑलवेज विलिंग कि कोई उससे सीखे. बिल्कुल. जो और मुझे याद है कि आपको पता नहीं याद है या नहीं, आप थी कि नहीं, जब वो घर में क्या नाम है दूसरी वो बच्ची का, वो जो इधर ही करीब रहती थी, 2-3 बच्चियां आई थी उससे. एक तो वो आती रहती थी तस्वीर. तस्वीर, बिल्कुल बिल्कुल. तस्वीर हाँ जी. आती थी, वो भी तस्वीर के पास घर बिल्कुल, जाती हाँ थी जी. और एक जो है वो एक और थी आमना. आमना एहसन. हाँ जी, आमना एहसन. आमना एहसन भी आती थी. तो ये एक दिन वो शरारतों में जब कह रहे थे कि आंटी इसको कहे हमें पढ़ा दे कुछ सिखा दे. हाँ, ये फनी किए जा रही है. उस वक्त आप थी साथ? मैं साथ ही थी. हम लोगों ने मैथ की कोई क्लास थी और हमारा कोई एग्जाम था और हमने पढ़ना था. तो अरफा तो मैथ में वैसी जीनियस थी, अब हमें कुछ आता नहीं था. तो फिर हम उस पास पहुंच गए थे पढ़ने, लेकिन उसने अपनी शरारतें और कॉपीज में डूडल्स बनाने के अलावा सब कर छोड़ा कि बस ठीक है पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे. लेकिन एट दी एंड पढ़ा दिया था, पेपर हमारा पास करा ही दिया था. मैं आपको बताऊं उसमें क्या हुआ था. जब वो जब आपने मुझे कहा कि आंटी इसको कहें सीरियस नहीं हो रही, पढ़ा नहीं रही, तो किचन में आई जब मेरे पास, तो पता नहीं मैं शायद चिप्स बना रही थी आपके लिए जो भी, तो मुझे कहती है कि, मैंने कहा बेटा आप वो आई हैं तो आप टाइम उनको पढ़ा देना. कहती है मामा आपको नहीं पता इन सब का, ये जैसे ही इन्होंने पढ़ लेना इन्होंने भागने की करनी है. तो मैं चाह रही हूँ पहले फ़न कर लूँ, एंड में पढ़ाऊँ ताकि ये उसके बाद चली भी जाए तो एटलीस्ट वो फ़न वाला पार्ट रह ना जाए. तो वो लाइक फुल ऑफ लाइफ, वेरी लाइवली. इस तरह का उसका शौक भी था, इस तरह के हर जगह रंग बिखेरने और रौनक लगानी उसकी पर्सनालिटी का खासा थी. तो आपको उसकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा, जिसको आप आज भी सोच सकती हैं या फील कर सकती हैं, क्या एक किसी में एक आधी चीज़ ऐसी होती है जो आपको टच करती है? कभी कभार ऐसा होता है कि आप डिप्रेशन में हों या आपको ज़रूरत होती है कि कोई आपको सुने या आपको समझाए, आपको कुछ ऐसा याद है अरफा के बात, कोई बात?
अरफा के साथ स्पेशल मेरा बॉन्ड ज़्यादा आई थिंक इसलिए भी था क्योंकि वो बहुत सारी मेरी बातें मेरे बगैर कहे समझ लेती थी कि अगर मेरी तबीयत ख़राब होगी ना, किसी को शायद समझ भी ना आए हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में, लेकिन उसको पता होता था कि आई एम नॉट वेल या मैं आज अपने उस तरह आई एम नॉट ओके जैसे मैं यूजली होती हूँ, तो वो अपने मतलब वो शी वुड बी ऑन हर फुट के वो शी नीड्स टू मेक मी फील बेटर. वो हर बार होता था कि कभी एक दफ़ा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, एंड आई वॉज़ कॉन्स्टेंटली वॉमिटिंग और मेरा टमी बहुत अपसेट था. अरफा पूरा टाइम मेरे पास रही और मेरी तबीयत ख़राब देख के उल्टा वो रोना शुरू हो गई, तो अपनी तबीयत मैं भूल के मैं उसको चुप कराना शुरू हो गई कि अरफा इट्स फाइन, मैं ठीक हूँ. लेकिन वो थी ऐसी कि वो दूसरों के आई थिंक पेन में शायद वो अपनी समझ के वो ज़्यादा फील करती थी उस एम्पैथेटिकली, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी थी बहुत, सेम टाइम बहुत ज़्यादा. आई अंडरस्टैंड के जो गुस्से वाली भी थी, को गुस्से वाली बात याद है? गुस्से में तो सबसे मतलब अपना काम ना होए, तो जब से वो हेड गर्ल बनी थी वो तो काम निकलवाने पहुंच जाती थी प्रिंसिपल के ऑफिस भी कि भाई मेरा काम होना चाहिए, जो हमारी डिमांड है एज स्टूडेंट्स या एज अ स्टूडेंट काउंसिल वो पूरी होनी चाहिए. नहीं होती थी तो वो बैठ जाती थी धरने पे कि नहीं करें, तो इसमें तो फिर उससे कोई लड़ाई नहीं होती थी, उसके आगे फिर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकता था इस तरह की चीज़ों में. तो एक दफ़ा मुझे याद है कि इंडिया जाने के लिए एक एस्ट्रोफिजिक्स का वो टीम बननी थी, वो थोड़ा सा वाक्य याद है आपको कुछ? वो ये था कि हम लोगों ने नासा का हमारा एक कंपटीशन होता था ए लेवल्स के अंदर, जिसमें हमने एक स्पेस उनकी कम्युनिटी डिज़ाइन करनी होती थी और फिर उसमें जो टीम्स सिलेक्ट होती थी वो फिर इंडिया जाती थी आपके रीजनल्स के लिए, और उसके बाद फिर हमें ह्यूस्टन कॉल की जाती थी अगर इफ़ वी विन दैट. तो हमारी टीम जो जिसमें मैं, अरफा, रज़ा, 7-8 लोग और भी थे, हम लोगों की 2 टीम्स थी और हम लोग के 16 बंदे सिलेक्ट हुए थे एज फ्रेंड्स इंडिया जाने के लिए. तो उसमें था कि पहले हमें कॉलेज परमिशन नहीं दे रहा था, फिर अरफा, इवन आर हेड बॉय, सब ने बहुत लड़ाई की एंड फाइनली हमें परमिशन मिल गई कि हम लोग इंडिया के लिए वीज़ाज़ अप्लाई करेंगे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे अरफा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी जिस टाइम पे ये सारा हुआ, एंड वी डिसाइडेड नॉट टू प्रोसीड विद दैट उसके बाद. लेकिन आपकी टीम सेलेक्ट हो चुकी थी? हमारी टीम सेलेक्ट हुई थी, हम सिलेक्टेड थे फ्रॉम पाकिस्तान. मुझे याद है उन दिनों सारा वो, हाँ जी, उस एक्साइटमेंट में थी और जिस तरह उसने तैयारी की थी ना, बिल्कुल. और जब उसे ईद का दिन था, हाँ, उसको कुछ होश नहीं था कि ईद है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, वो लगी रही करने, नेट का इशू हुआ, उस वक्त मार्केट बंद थी, बड़े प्रॉब्लम आए और उसने रिक्वेस्ट की. इंडिया में जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे 1 घंटा और, हाँ जी, तो फिर उसने वहाँ पे करके, तो ये एक लंबी स्टोरी थी जिसमें उसकी बड़ी एफर्ट थी बहुत ज़्यादा. तो ये है कि मैंने जो उसको देखा था ना कि वो शी वाज अ डूअर, बिल्कुल, कि कोई काम सोच लिया है तो फिर उसको करना है, बिल्कुल. तो करने में फिर मुश्किलात जितनी आती हैं, चैलेंजेस फेस करना उसको आता था, बिल्कुल. और टीचर्स के साथ एक दफ़ा मुझे टीचर्स ने बताया कि वो हमारे कदमों की चाप से पहचान जाती थी कि कौन आ रहा है, बिल्कुल. टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट भी करती थी टीचर्स के साथ और प्रिंसिपल के साथ उसकी बहुत अच्छा रिलेशन, सरमजित का, सरमजित जो थे उनके साथ भी बहुत, अच्छा. बहुत सारा था उसका. बाकी उसके नोट्स छोटे छोटे पढ़ के मुझे अंदाज़ा होता था कि पता नहीं उसने एक कॉपी में लिखा हुआ था किसी के लिए कि तुम नॉर्मली, यू आर नॉट, यू नो, लाइक यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर नॉट बिहेविंग नॉर्मल. तो फिर उर्दू, रोमन उर्दू में लिखा हुआ था, टांग तब हिलाते हो जब कंफ्यूज हो, या वो किसके बारे में लिखा था, कुछ याद है आपको? वो आई थिंक वो आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये था कोई हमारे फ्रेंड में ही जो बैठा बैठा टांग हिलाता होता था. मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, था इट वॉज सम बॉय जो सिर्फ अपनी टांग को ना मतलब नर्वसनेस में बहुत ज़्यादा जर्क करता था. तो फिर वो शी वॉज ऑब्जर्वेंट, हम क्लास में क्योंकि इकट्ठे बैठे होते थे तो वो हर किसी के बारे में छोटे छोटे डूडल्स अपने नोटबुक में लेक्चर के साथ साथ नोट करती थी. वो हम पे भी नोट्स बनाती थी जब वो लेक्चर ले रही होती थी. मैंने उसको कई दफ़ा कहा, मैंने कहा तुम नोट करती हो या तुम ये फनी कहती है? नहीं, वो 5 मिनट में मुझे बात समझ आ जाती है कि जिस चीज़ के बारे में लेक्चर दिया जा रहा होता है, क्योंकि वो उसने कभी ना बोर नहीं वो हुई, और बोरिंग जो माहौल है इस किस्म का उसको पसंद नहीं आता था. नहीं.
कि अच्छा को याद है आपको ज़्यादा आप शौक से दोनों को क्या डिश पसंद थी या अरफा को स्पेशली हम दोनों खाने में? को खाने में, हम कॉलेज में अगर देखा जाए तो हम लोग वी लव्ड सबवे, हमारा एक स्टेपल होता था। जिस दिन सबवे आना होता था कॉलेज में, हम लोगों ने सबवे डेफिनेटली खाना होता था। उसके अलावा अगर घर में तो शी लाइट बिरयानी, आई थिंक यस यस शी यस लाइट बिरयानी अलॉट। तो जिस दिन आपने बिरयानी पकाई होती थी वो काफ़ी एक्साइटेड होती, क्योंकि वो फ़ोन करके आपको पहले पूछ लेती थी आज पका क्या है। यस यस ये यस मुझे याद है कि जाने से पहले, हमारी छुट्टी से पहले, वो पहली कॉल हो चुकी होती थी आपको कि मेन्यू और बताइए। अक्सर पता क्या होता था, मैं उसको जानबूझ के पता कहती थी कि वो पूछती थी ना पका क्या है, मैंने कहा अरफा सब्जी बनाई है, तो उसका मुंह बन जाता था कि अच्छा सब्जी बनाई है। फिर घर आके ना जैसे ही किचन में आना ना, कहती अच्छा मुझे तंग कर रही थी आप, आपने ये बनाई है बिरयानी। मैंने कहा जी आप जो कहा था आप उसके अलावा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल, तो दाऊद और सरमद के साथ भी उसका बड़ा फ्रेंडली बहुत रिलेशन ज़्यादा था, और पढ़ने में उनकी भी ऑफ कोर्स हेल्प हेल्प वगैरह की। करती होती थी। और कुछ और जो आप कहना चाहें कि अरफा जैसा फ्रेंड अगर किसी के पास हो तो उसको क्या लगता है? आई थिंक कि अगर अरफा जैसा फ्रेंड आपके पास हो, तो अगर आपके पास मेरे जैसे पास बहन नहीं थी तो मुझे कभी उसकी कमी उसने फील नहीं होने दी। बहुत छोटा टाइम है कहने को, लाइक इट्स नॉट इनफ कि आप कह सकें कि आप इतने क्लोज हो सकते हैं उस टाइम में, लेकिन हम थे। तो अब वो ये अभी भी अगर कभी मैं कहीं इस चीज़ को फील करूँ कि कभी मुझे याद आ जाए, तो मैं आई थिंक कि अगर अरफा होती तो वो मुझे इस सिचुएशन में क्या कह देती, तो मैं आई वुड समटाइम्स बी अपसेट, और वो मुझे चेयर अप कर देती थी उसकी बात के, वो जैसे मुझे उस टाइम पे चेयर अप कर देती होती थी। तो याद तो मुझे अभी भी वो है, वो तो नहीं जा सकती, बट उसकी रिप्लेसमेंट मुझे लाइफ में अब तक मिली नहीं, एंड आई थिंक मिलेगी भी नहीं। सॉरी मैंने आपको नहीं अपसेट कर दिया, आप मेरी बेटियों की तरह, एंड यू नो दैट। तभी ना कभी आपसे मेरा रिलेशन खत्म हुआ, ना कभी सरमद दाऊद से, क्योंकि आप सब हो में नहीं मुझे वो सकता, नजर आती है, और मेरा ये अपने घर की तरह है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम यहाँ आप लोगों के साथ काटा है। अब तो इतने साल हो गए इस बात को, लेकिन आई के नॉट, मतलब ना मैं आप लोगों को छोड़ सकती हूँ, ना छोड़ूंगी, बिकॉज आप में से उसकी खुशबू आती है, सरमद दाऊद में वो नजर आती है जैसे वो थी। मैं शायद इतना होती नहीं हूँ फिजिकली, बट आप लोग हमेशा मेरे साथ होते हो। इट वॉज़ वेरी पेनफुल फॉर मी आई नो, आपके लिए भी था, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि आपकी जगह कोई ले नहीं सकता, अरफा की फ्रेंड की जगह कोई और नहीं ले सकता। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच एमजे, आप हमेशा हमारी एमजे ही रहोगी। काम तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन कौन करे। करेगा? अरफा की फ्रेंड जो है वो वही बता सकती है ना कि वो उसके साथ कैसी थी, वो कैसी इंसान थी, क्या करती थी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई लव यू टू, ये आपको भी पता। यस एंड वी बोथ लव अरफा। अभी होती तो वह हमें हंसाती ना। बिल्कुल, ये थी कुछ यादें, कुछ बातें जो शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, बहुत ज़रूरी था। और यह हकीकत थी, एमजे हमेशा एमजे रहेगी, अरफा की फ्रेंड अरफा की तरह है मेरे लिए, और हम हमेशा ऐसे ही जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे लिए ये लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी था। आप सुने, आप देखें, फील करें कि अरफा एक बेटी के लिहाज से तो मैं आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन एक फ्रेंड के लिहाज से आपको पता चलेगा कि वो कैसी फ्रेंड थी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।